जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी इलेक्शन में। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी बड़ी खबर निकल के सामने आई है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया दावा, 116 सीटों से जीत कर बनाएंगे कांग्रेस सरकार। जी हाँ साथियों, और मध्य प्रदेश में CM होंगे कमलनाथ जी। हाँ दोस्तों, इन सभी खबरों को जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन तो आना मत भूलें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस इस साल होने वाली विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी 116 सीटों से जीत कर ही मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाया जाएगा। जी हाँ साथियों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय रह गया है, वहीं इसको लेकर सियासी हलचल तेजी से की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि MP में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 116 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस अगली सरकार बनाएगी। हाँ दोस्तों, इसी बीच हम आपको बता देंगे, इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा, साफ कह दिया है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही पार्टी इस साल चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ दोस्तों, और मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बार युवाओं को वोट का मेन मुद्दा बनाएंगे। जय हिंद साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।